नमस्कार, मैं नंदनी गुरु और आप देख रहे हैं न्यूज़ रिपोर्टर नेटवर्क। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गांधी पार्क पर। आप मेरे पीछे जो तस्वीरें देख रहे हैं वो तस्वीरें UK SSSC के जो अभ्यर्थी हैं उन लोगों की है। आपको बता दो एक बात कि UK SSSC में जो भर्ती घोटाला हुआ था उसी को लेकर जो युवा है उत्तराखंड के, पूरे युवा जो है उत्तराखंड के अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जितने भी उत्तराखंडी युवा है वो यहाँ पे अभी गांधी पार्क पर मौजूद है। आपको बता दो कि अभी तक ये युवा ने या अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री आवास, विधानसभा कूच और सचिवालय कूच, यहाँ तक कि UK SSSC संस्थान है वहाँ जाके भी उन्होंने धरना दे दिया। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार इनके बातों को अनदेखा कर रही है या क्या कर रही है वो तो सीधा इन अभ्यर्थियों से जान के पता लगेगा। चलो चलते हैं अभ्यर्थियों से आके बातचीत करते हैं कि क्या कुछ मुद्दा है जो अभी तक सरकार इनके बातों को क्यों नहीं सुन रही है। इनका साफ साफ मुद्दा बस ये है कि आप देख सकते हो तस्वीर में साफ साफ लिखा है कि पहले जांच हो तब परीक्षा हो, और 12 तारीख को परीक्षा होने वाली है। देखते कितने अभ्यर्थी अभी परीक्षा देने के लिए रेडी है और कितने नहीं है, तो खबर में बने रहिए। हमारे मुद्दे ये हैं कि पहले जांच कराई जाए फिर परीक्षा कराई जाए, जल्दबाजी में परीक्षा ना कराई जाए। रीज़न देख लीजिए, अभी इन्होंने क्या बोलते हैं, पहले संजीव चतुर्वेदी पकड़ा गया, अभी कुछ दिन पहले संजीव कुमार पकड़ा गया। तो हमारा ये मानना है कि पहले सारी जाँच कर लो, चाहे SIT से कराओ किसी से कराओ, एक बार पूरी जाँच कर लो, बाद में परीक्षा कराई जाए। परीक्षा कराने में जल्दबाजी ना हो, क्योंकि देखिए इन्होंने उस समय जब संजीव चतुर्वेदी पकड़ा गया था उन्होंने AEJ का इंटरव्यू कराया, अब AEJ में धांधली पकड़ी गई, अब इनको वो भर्ती या तो रद्द करनी पड़ेगी या सेग्रीगेशन करना पड़ेगा। तो हम नहीं चाहते कि आगे की भर्तियों पर ऐसा है, आयोग के अंदर जितनी भी गंदगी है वो बाहर आए और उसके बाद ही परीक्षा संभावित हो। ऐसे जल्दबाजी में परीक्षा न कराई जाए और पहले ढंग से जाँच हो। मतलब आप ये मान के चले कि ऐसा तो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, आयोग में 3 अति गोपन होते हैं जहाँ पर परीक्षा पेपर रखे जाते हैं, उनमें से 2 अति गोपन कॉम्प्रोमाइज हैं, ठीक है। तो अब जो और बचे हुए हैं उनकी भी जांच हो, उसके बाद परीक्षा। हमारे सिर्फ ये मांगो, एक बार आप जांच कीजिए कितना भी समय लगता है, उसके बाद जब पूरी जांच हो जाए उसके बाद परीक्षा कर दीजिए। होगा क्या, आप पेपर करा देंगे उसके बाद फिर, क्योंकि धांधली वाली गैंग आपने देख ली, पहले UK SSSC में था अब वहाँ हो गई, तो वो लोग तो धांधली करते रहेंगे। ये बड़ा माफिया गैंग है, जब तक पूरे न पकड़े जाएँ तब तक परीक्षा ना हो। हम कब तक ऐसे परीक्षा देते रहेंगे? हमारा ये है कि जो इसमें पहले पेपरों में धांधली हुई है, तो हमारा ये मांग है कि जिनके जिनके भी नाम सार्वजनिक हो तो वो हमारे सामने आ जाए। और जो सरकार ने कर रखा है, जो 380 क्वेश्चन अभी बाहर आए थे, तो पटवारी से पहले जो 380 क्वेश्चन बाहर आए थे, तो वो हम ये चाहते हैं कि इससे पहले CBI जाँच हो सबसे पहले, और उसके बाद हमारा सारे पेपर हो जाए। हम भी मतलब हमने भी इससे पहले पुलिस का एग्जाम दिया, तो उसमें हम भी चाहते हैं कि इसकी निष्पक्ष जाँच हो, उसके बाद इसका रिजल्ट आ जाए। आपको एग्जाम होने वाला है, CBI से आपने मांग करी है जांच के लिए, क्या कुछ कहेंगे? मैम, हम बार बार, ये आपको पता है, हम लोग लगातार 1 महीने से प्रयास कर रहे हैं। हमारे सिर्फ एक ही मांग थी कि आप प्लीज़ फिर इन्वेस्टिगेशन करवा लीजिए। हमें पेपर देने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। हम जहाँ 6 महीने पहले पेपर देते हैं, हम जहाँ 6 साल से हम तैयारी कर रहे हैं, हम 2 महीने 2.5 महीने और रुक जाएंगे। हम इतने कॉन्फिडेंट हैं कि हम आज भी उतनी तैयारी से और 2 महीने बाद भी उसी तैयारी से बैठ सकते हैं। लेकिन जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमारे जो आयोग में बैठे अधिकारी हैं, उनको हमारी मांग ही सुनाई नहीं दे रही है। हमने उनको 1 महीना दिया, हमारे 2 डेलीगेशंस वहाँ गए, लेकिन उनकी तरफ से ऐसा कोई कदम नहीं दिखाई दिया कि हमें उन पर ट्रस्ट हो। हमने 17 तारीख के दौरान भी यही बात की थी कि आप पर जो विश्वास है हमारा वो डगमगा चुका है, तो आप कुछ ऐसा करिए ना कि हमारा विश्वास आप पे बने। लेकिन इस 8 जनवरी से जब हमारा पटवारी का पेपर लीक हुआ और आज 8 फरवरी है, पूरा 1 महीना हो चुका है, कोई ऐसा कदम नहीं, कोई कानून नहीं, कोई नाम सामने नहीं आए हैं, तो किस आधार पे लगातार परीक्षा करा रहे हैं? हम इतने लाचार, इतने विवश हो गए हैं कि आखिरकार आज हमें ये करना पड़ा, ये मजबूर किया गया है। हम अपनी इच्छा से नहीं आए हैं, हम आज घर में बैठ के पढ़ाई करते, लेकिन ये जिम्मेदारी थी हमारी सरकार की जिन्हें हमने वोट देकर यहाँ पहुँचाया है, ये उनकी जिम्मेदारी थी। क्या समय से कार्रवाई करें? जो आरोपी हैं, जो नकल भी कर रहे हैं और नकल करवा भी रहे हैं, दोनों पक्ष सामने आए, उनको सजा मिले और हम स्वच्छता से पारदर्शिता एग्जाम दें। लेकिन वही है कि अब तक कानून नहीं आया है, अब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुए। सबसे बड़ी बात है कि आपके आयोग के अंदर अति
ओपन विभाग के दो अधिकारी इन्वॉल्व हैं इसमें, लेकिन फिर भी आप उसकी सीरियसनेस नहीं समझ रहे हैं। अगर वो अंदर के विभाग के अधिकारी क्वेश्चन बैंक रिलीज कर रहे हैं तो आप क्या अनुमान लगा सकते हैं कि वो चीटिंग का लेवल या जो भूमा या आपकी नकल माफिया है किस लेवल तक पहुँचे हुए हैं। तो इसलिए हम बार बार मांग करें CBI जाँच हमारी चाहिए या फिर एक रिटायर्ड जज हो गए उनकी अध्यक्षता में आप समिति बिठाइए, उनकी रिपोर्ट आ जाए तब आप परीक्षा बेहिचक कराइए, हम उसी दिन आप एडमिट कार्ड जारी कीजिए, हम उसी दिन परीक्षा देने पहुँच जाएंगे। तो 12 तारीख का जो एग्जाम है आप लोगों का क्या सोचा, बैठेंगे या नहीं बैठेंगे? नहीं मैम, कोई मतलब नहीं है, बॉयकॉट करेंगे। कुछ मेरे हमारे साथ ही ऐसे विद्यार्थी हैं जो चाह रहे पेपर हो जाए, लेकिन मैं उनसे यही पूछना चाहूंगी आप उस रेस में दौड़ रहे हैं जहाँ का रिजल्ट ऑलरेडी अनाउंसड है, तब कैसे बैठ सकते हैं उस परीक्षा में? आपको अनुमान नहीं है कि ये जो नेक्सस है ये 20 साल पुराना है, ये अभी की बात नहीं है। कहाँ कहाँ हमें धांधली नहीं सुनाई दे रही है, पटवारी, JEE, प्रवक्ता पेपर, इवन अब तो सुनने में आ रहा है कि एग्जाम कंट्रोलर्स पे भी उंगलियां उठ रही हैं कि लेवल इतना बड़ा है। तो आप बताइए ना कि विश्वास किस पे कर रहे हैं, किस पे, किसके कहने पे आप पेपर देने में यकीन कर रहे हैं? हम तो ऑलरेडी, हमें पता है कि पेपर कॉम्प्रोमाइज्ड है, हमें ऐसा पेपर नहीं देना है, हमें चाहिए पहले सिस्टम क्लीन हो जाए, अंदर की सफाई भी आप कीजिए, अपने कर्मचारियों पर भी दिखाई जाँच करवाइए जितने समय से इस सिस्टम में बैठे हुए हैं। तो हम प्लीज़ यही चाहते हैं कि आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए, तब हम आराम से पेपर देने के लिए तैयार हैं। थैंक यू। तो आपने क्या सोचा कि जो एग्ज़ाम है आपका 12 तारीख को, यस मैम, देंगे या नहीं देंगे? नहीं देंगे मैम, नहीं देंगे, नहीं देंगे। मैम जब कुछ चीज़ फेयर ही नहीं है तो क्या फ़ायदा उस एग्ज़ाम में बैठ के, लास्ट टाइम गए थे 2-2.5 हज़ार रुपये खर्च करके गए, वापस आ गए। कहाँ से हो आप? मैं ऋषिकेश से हूँ। ओके। तो मैम सेंटर अगर किसी का नैनीताल पड़ा है वो 2-2.5 हज़ार रुपये खर्च करके गया है और फिर इसके बाद अभी हम 12 को सपोज दैट जाते हैं और उसके बाद पेपर लीक हो जाता है, तो कोई तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि इसके बाद नहीं होगा। जब तक हमें ये वो नहीं मिल जाता, आश्वासन नहीं मिल जाता कहीं से, तो हम नहीं देंगे पेपर। कल के दिन आप एग्ज़ाम देते हो फिर भी आप लोग पास नहीं होते हो, है ना, कहीं ना कहीं आप सरकार को दोषी समझेंगे इसमें? मैम समझेंगे, इसीलिए तो हम यहाँ हैं कि पहले आप आयोग अपनी जाँच कराए, उसके बाद हम एग्ज़ाम देने के लिए ही तो हम आयोग से अपनी मांगे रख रहे हैं। हम आयोग के साथ लड़ नहीं रहे हैं, सरकार के साथ नहीं लड़ रहे हैं। जिसका जो फेयर पक्ष है अपना दिखाए ना, हम स्टूडेंट्स का जो ट्रस्ट डेफिसिट हो चुका है उसको फिल करें, उसको हम फिल तो नहीं कर सकते ना, इसीलिए हम यहाँ हैं। अभी तक आप लोगों ने विधानसभा कूच भी कर लिया है? यस मैम। मुख्यमंत्री आवास भी कर लिया, सचिवालय भी कर लिया, ग्राउंड में आप अपने एरिया निकाल दिए, UK SSS संस्थान है आपका वहाँ पे भी जाते हैं, सरकार आपको देख रही होगी, यस मैम, बड़े बड़े मंत्री आपको देख रहे होंगे, यस मैम, आपको अनदेखा कर रहे हैं, यस मैम, आप किसकी किसका हाथ लगता है इसमें? मैम अब तो पहले तो लगता था कि सरकार हमारे साथ है, पर अब ये लग रहा है कि सरकार भी हमारे साथ नहीं है, आयोग भी हमारे साथ नहीं है। जिस हिसाब से हमें लड़कियों के भी 30% रिजर्वेशन की मांग हमारे एक डेलीगेशन जाके खुद रख रहा है आयोग के सामने, तब आयोग को सुध आ रही है कि मतलब जो हमारा रिजर्वेशन है वो लागू हो चुका है, तब कहीं से कार्मिक विभाग से आती है, आयोग की भी तो एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है ना कि वो सरकार से मांगे, सरकार आयोग को, आयोग सरकार को, इसमें फुटबॉल किसका बना रखा है इन्होंने, हम जैसे अभ्यर्थी का 6 साल से यहाँ वैकेंसी नहीं आई, हम बेरोजगार बैठे हैं, बेरोजगार इसलिए नहीं बैठे कि हमारे अंदर कैपेबिलिटीज नहीं है, बेरोजगार इसलिए बैठे हैं कि 2 साल में पेपर होता है लीक हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, 2 साल में हो रहा है, तो इस बार आयोग थोड़ा टाइम ले अपने अंदर जो उसकी गंदगी बोलेंगे हम, वो गंदगी साफ करें और उसके बाद ही हमारे एग्जाम्स कराए, हमें एग्जाम्स देने हैं इसीलिए हम यहाँ हैं, हमको यहाँ नेता क्रांतिकारी कोई नहीं है, हम में से सब एस्पिरेंट ही हैं यहाँ, तो बस। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड के जो बेरोजगार हैं और UK SSS के जो अभ्यर्थी हैं वो काफ़ी तादाद में आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से सिर्फ एक ही मांग कर रहे हैं कि आखिर सरकार इनकी मांगों को क्यों अनदेखा कर रही है। इनकी मांग सिर्फ एक ही है कि पहले जाँच हो फिर परीक्षा हो। और आपको बता दूँ कि STF ने अभी तक भर्ती घोटाले को लेकर 20 से 25 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही साथ यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी काफ़ी तैनात है ताकि इस मामले में कोई भी दुर्घटना ना हो। तो आखिर बोर्ड में सिर्फ इतना ही, कैमरामैन अभिषेक के साथ मैं रंजनी गुरुंग, धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि उत्तराखंड की कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए।